हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं रानी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चौलाई साग के डंडल फ्राई कैसे बनाएं। तो आप कोई भी साग का डंडल फ्राई कर सकते हैं, लाल साग हो या कोई और साग भी, उसका भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं चौलाई साग की बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको चौलाई साग की डंडल को लेना है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। आप चाहे तो मोटे जो टुकड़े रहते हैं, जो डंडल रहेंगे, उसे आप बीच से चीरा भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे काट करके अच्छे से वॉश कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे लेना है आपको पचफोरन और साग की डंडल को लेना है बारीक कटी हुई। उसके बाद आपको कढ़ाई लेनी है, कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेनी है। उसमें 3 से 4 चम्मच डालने हैं आपको सरसों का तेल, या आप जो भी खाने में यूज करते हैं जो तेल, उसे आप डाल सकते हैं। तो कढ़ाई गर्म होने के बाद आपको तेल को डालनी है, उसके बाद इसमें पचफोरन को डालनी है। अब आपको डालनी है डंडल को। डंडल को डालने के बाद इसे मिक्स कर देनी है। तो आप इस तरीके से मिक्स करें। आप इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए पकाए, आपको मीडियम फ्लेम पे ही पकानी है, और इसे कवर कर दें। तो जब तक ये कवर हो गई है, तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें। 2 से 3 मिनट हो चुकी है, अब आपको इसकी ढक्कन को हटा लेनी है और फिर से इसे मिक्स करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये सुनहरी हो चुकी है। तो आप इसे फिर से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे आप टर्मेरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून मिक्स मसाला पाउडर, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। 1/2 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, और आप चाहे तो इसमें पोस्ता भी पीस कर डाल सकते हैं। पोस्ता है वो ऑप्शनल है, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो आप उसे भी डाल सकते हैं। और मैं 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे नमक डाल रही हूँ, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसे डालने के बाद आपको अच्छे से मिक्स कर लेनी है, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी पानी ऐड कर देनी है ताकि मसाला है वो जले नहीं। पानी डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिक्स करनी है और थोड़ी सी पकने देनी है। इसे अच्छे से मिक्स करनी है, तो आप देख सकते हैं कि मसाला है वो अच्छे से पक चुकी है, और इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करनी है, 1/2 कप डालनी है। आप चाहे तो अपने अनुसार ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा नहीं डालें। पानी डालने के बाद आप इसे कवर कर दें और आप इसे 5 मिनट तक के लिए पकने दें। गैस की फ्लेम है वो आपको मीडियम कर देनी है। जब तक ये पक रही है, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। 5 मिनट हो चुकी है, और आपको पैन को रिमूव करनी है यानी ढक्कन को हटानी है। आप देख सकते हैं पानी है वो अच्छे से सूख चुकी है, और डंडल में वो कलर बहुत अच्छी आ गई है, और ये बिल्कुल पक गई है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से इसे पका लेनी है और फ्राई कर लेनी है। तो अच्छे से पक चुकी है, गैस की फ्लेम है वो ऑफ कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं कि डंडल फ्राई वो बन करके तैयार है। बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो आप भी बनाइए इस रेसिपी को और ट्राई कीजिए।